तो भाई लोग पार्टी में थोड़ा लेट मगर हम भी शामिल हो चुके हैं। तो जैसा कि तुमको पता ही होगा एक्वामैन 2 का ट्रेलर आ चुका है और मजे की बात है पूरे इंटरनेट पे सिर्फ एक ही औरत का नाम चल रहा है। हाँ तुम अब तक समझ ही गए होगे मैं एम्बर हर्ड की बात कर। ट्रेलर की ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट है और एम्बर हर्ड हमको मुश्किल से 2-3 फ्रेम में देखने मिलती है और पूरे ट्रेलर में हमको जेसन ममुआ ही देखने मिलते हैं, मगर फिर भी बात एम्बर हर्ड की ज्यादा हो रही है। जेसन भाई अस मोमेंट हो गया ये अपना। और जैसा कि तुम देख ही पा रहे हो हमारा सेटअप बार बार चेंज हो रहा है, क्यों एक्चुअली हम ट्राई कर रहे हैं तुमको क्वालिटी देने की कंटेंट में। बाकी अगर तुमको हमारी वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ खराब लग रहा है तो हमको बताइएगा कमेंट्स में ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। हाँ तो सेटअप की बात फिर कभी करेंगे, अभी हम ट्रेलर की बात कर लेते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि मूवी में 4 साल का टाइम जंप देखने मिलेगा, जिस बीच आर्थर और मीरा की शादी हो जाती है और उनका एक बच्चा भी होता है। मेरे लिए खास करके ये बच्चे वाला पार्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जैसा कि हमको पता है DCU की लास्ट मूवी होने वाली है एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम। मेरे लिए स्पेशली बच्चे वाला पार्ट देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम DCU को रिबूट करने वाली है। तो क्या ये बच्चे वाला पार्ट जेम्स गन के यूनिवर्स में होगा या फिर बाकी। मुझे पर्सनली ट्रेलर की लाइट टोन बहुत अच्छी लगी और यही टोन एक्वामैन 1 में भी यूज़ करी गई थी। और अब हम मूवी की कलर टोन की बात कर रहे हैं तो मूवी की सिनेमाटोग्राफी की भी बात कर लेते हैं। फिल्म के अंदर या फिर यूँ कहो कि ट्रेलर के अंदर हमें जितने भी शॉट्स देखने मिले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, सिर्फ कलर ग्रेडिंग के मामले में नहीं, जो उन्होंने ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ करा है। आगे हमें ट्रेलर में कुछ फाइट सीक्वेंस देखने मिलता है जहाँ पर भी उन्होंने ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से करा है। और अब मैं ग्रीन और ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ तो ब्लैक मैंटिस के लुक की क्या बात कर सकता हूँ। जब ब्लैक मैंटिस अपने थ्रोन पे बैठा होता है और उसका ट्राइडेंट के साथ में उसकी आंखें ग्रीन ग्लो कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने क्लियर कर ही दिया है एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम मोस्टली आर्थर और ओरम के ब्रदरहुड को ही एक्सप्लोर करने वाली है। जैसा कि तुमको पता है कि एक्वामैन 1 के एंड में आर्थर ने ओरम को डेजर्ट प्रिजन में भेज दिया था, मोस्ट प्रोबेबली इस सीक्वल में वही ब्लैक मैंटिस के अटैक करने के बाद उसे छुड़ाने भी जाएगा। बाकी आगे हमें ब्लैक मैंटिस के मोटिव भी क्लियर हो जाते हैं, ये आर्थर के पूरे परिवार उसकी ब्लड लाइन यहाँ तक कि उसका किंगडम भी जला देना चाहता है। आगे ट्रेलर में हमें ब्लैक मैंटिस के ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में जानने मिलता है जो किंग एटलांट के समय से 7 किंगडम्स पर कर्ज है। ब्लैक ट्राइडेंट ब्लैक मैजिक की वजह से पजेस कर लेता है जो भी उसे यूज करता है, तो क्योंकि आगे ब्लैक मैंटिस ब्लैक ट्राइडेंट को यूज कर रहा है तो वो भी आगे चल के धीरे धीरे पजेस या फिर करप्ट हो जाएगा टू मच ब्लैक। और समहाउ हमें ट्रेलर में कुछ क्रीचर जिंदा होते हुए दिखते जो कि ब्लैक ट्राइडेंट के कारण ही हो रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक मैंटिस मूवी का मेन विलन है, पर फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी एक साइड विलन होने वाला है जो कि एक क्रीचर है जैसा कि हमें फर्स्ट पार्ट में देखने मिला था। और फाइनली आगे हमें 7 किंगडम्स की हिस्ट्री भी बताई जाती है, उसके साथ ट्राइडेंट की भी बताई जाती है हिस्ट्री। और ओवरऑल ट्रेलर मुझे बढ़िया ही लगा, पर क्या फ़ायदा, मूवी तो मेरे को अकेले बैठ कर देखनी थिएटर में, अब क्या ही कर सकते हैं। DC अपने अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। और ओवरऑल तुम्हें हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, अच्छी या बुरी कैसी भी लगी हो बता देना क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है। और ट्रेलर कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज।